मैं अभी YouTube स्क्रॉल कर रहा था कि तभी मेरी निगाह जोगी के ट्रेलर पर गई और मैंने देखा कि दिलजीत दोसांझ भी इसमें है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि इसके ऊपर 1 करोड़ से ऊपर व्यूज थे, तो मैंने सोचा चलो इसको देखा ही जाए। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, गूज बम्प्स दे दिए इस ट्रेलर ने। तो हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं फैक्टोरी ल्यूमंस, जहाँ फैक्ट्स भी और रिव्यूज भी। सो बेसिकली इस ट्रेलर में कहानी दिखाई गई है 1984 की, जब इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स जिनका नाम सतवंत सिंह और बैंत सिंह है, उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद लोगों के अंदर सिखों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था और उन्होंने दिल्ली में रहने वाले जितने भी सिख सरदार थे उनके गुरुद्वारे, स्कूल्स और यहाँ तक कि उनके घर तक जला दिए थे। अब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में वो अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, वही हमें इस मूवी के अंदर देखना। कहानी से साफ साफ पता चल रहा है कि ये मूवी एक सर्वाइवल ड्रामा होने वाली, जिसके मेन लीड में दिलजीत दोसांझ है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये बंदा गाता जितना अच्छा है ना, उससे ज्यादा अच्छी है एक्टिंग करता है। और इस सीन में तो सही में इसने दिल छू लिया। इस फिल्म के अंदर और भी टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जैसे कि रवि तेजवान, ईशान अय्यर, पारस पहुजा और अमायरा दस्तूर। ये फिल्म 16 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, पर अगर इसे थिएटर में रिलीज किया जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि शायद ऑडियंस इसे भी कश्मीर फाइल्स जैसा ही रिएक्शन देती। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।